हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य आदन। वेलकम टू द वेरी सेकंड एपिसोड ऑफ मिशन एडमिशन सीरीज। इन दिस वीडियो विल बी डिवाइडिंग द वीडियो इन टू फोर पार्ट्स एंड विल बी डिस्कसिंग फर्स्टली द एग्जाम डेट्स, सेकंडली विल बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड थर्डली व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज व्हाई वी हैव पुट इट ऑन द थर्ड प्लेस, क्योंकि कई लोग जो है हमें बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसको छोड़ दें। तो आज वो सारे डाउट क्लैरिफिकेशन हम आपके लिए देंगे। एंड फोर्थली अ मास्टर टिप एंड अ मास्टर सॉल्यूशन फॉर यू ऑल, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ इट। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए हुए। अब टाइम खराब करने के लिए आपके पास टाइम बचा भी नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि यहां पर बीएचयू ने अपनी एंट्रेंस डेट निकाल दी है कि हम तो भाई 27 अगस्त को यहां पर एंट्रेंस लेंगे। उसके बाद AIL LET मोहाली ने भी यहां पर आपके लिए डेट्स निकाल दी और उन्होंने कहा कि जब हम 29 अगस्त को एग्जाम लेंगे। उसके बाद क्लैट ने भी यहां पर डेट जो निकाल रखी है वो भी निकाल दी, उन्होंने कहा कि हम 7 सितंबर को आपका एग्जाम लेंगे। अब DU ने भी यहां पर आपके लिए टेंटेटिवली डेट्स तो निकाल दी है कि 5 से 11 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, लेकिन लोग यहां पर जो है उसके ऊपर संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि इसमें होगा या नहीं होगा। देखिए जी, डाउट करना लाजमी है क्योंकि लगातार चीजें जो है वो पोस्टपोन्ड हो रही हैं कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए हो सकता है जब यहां पर BHU जैसी यूनिवर्सिटी, मोहाली जैसी यूनिवर्सिटी या फिर क्लैट जैसे लोग जो है प्रिपेयर करने लग गए एग्जाम्स के लिए, तो आप ये देख लीजिए DU यहां पर हो सकता है कि पोस्टपोन्ड ना करे। चांसेस बनते हैं पूरे पूरे कि यहां पर एग्जाम आपका 5 से 11 में हो जाए। अब अगर वो एग्जाम 5 से 11 में हो जाता है तो आज के टाइम पर आपके पास बचते हैं 25 से 30 दिन। अब अगर आपके 25 से 30 दिन बचते हैं तो आपको देखना है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसीलिए आता है आपका सेकंड पार्ट वीडियो का कि हाउ टू प्रिपेयर। अब हाउ टू प्रिपेयर के लिए आप अपना एक रोड मैप बना लीजिए। सबकी प्रिपरेशन स्टाइल अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है, तो वो तो आपका बिल्कुल ही इंडिविजुअल रहने वाला है। अगर आप चाहें तो आप 1 मंथ स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने डाली थी उसे आप देख सकते हैं जी, आपके लिए बहुत कामयाब होगी। और वहां पर मैंने प्लान किया हुआ है जो मैं प्लान करता कि वीक वाइज या डे वाइज मैं कैसे पढ़ता, तो वो मैंने वहां पर बताया हुआ है, आप वो देख लीजिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये एक एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो देखिए जी अपना आप सिलेबस, आपने सिलेबस देख लिया, आपको यह पता लग गया क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही है, क्या क्या चीजें नहीं पूछी जा रही है। लेकिन कोई DU का फिक्स सिलेबस भी नहीं है। फिर आप देखिए पेपर का पैटर्न, तो यहां पर पेपर का फिक्स पैटर्न भी नहीं है, कभी क्वेश्चन यहां से ज्यादा आ रहे हैं, कभी क्वेश्चन यहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि आपको सभी सब्जेक्ट्स पर जो है वो इक्वल फोकस देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट्स की, तो यहां पर आपके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जी, आपके लिए हो गया लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, साथ में आपके पॉलिटी में गिन रहा हूं जी। उसके बाद आपके आगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, मेनली यही सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। और जब ये सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपके लिए देखने की बात ही हो जाती है कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल नैरो है और वहां पर आप वो चीजें जो है वो सारी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। GK और करंट अफेयर्स के लिए कभी भी कोई सिलेबस नहीं होता और कभी भी कोई इनफ नहीं होती है चीज, या तो उसके लिए DU जानता है कि क्या इनफ हो सकता है या तो भगवान जानता है क्या इनफ हो सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं जी कौन सी बुक पढ़ें जो पूरी बुक पढ़ने से सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो ऐसी कोई बुक नहीं है जी जो पूरी आप कह सके कि इनफ हो। इनफ आप किसी चीज को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपनी तरफ से हम तैयारी पूरी कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप में से मैक्सिमम लोग 90% लोग 75% क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करते ही करते हैं, चाहे वो कैसा ही पेपर आ जाए, इजी आ जाए, टफ आ जाए। तो मैटर जो चीज करेगी आपके लिए वो करती है लीगल वाला पार्ट। अब लीगल वाले पार्ट में लोगों को ये नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लोग क्या है अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं। अच्छा जी CRPC आ गया, पढ़ दो जी। एविडेंस एक्ट आ गया, पढ़ दो जी। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया, पढ़ दो जी। कलरेबल लेजिस्लेशन, पिथ एंड सब्सटेंस, सब पढ़ दो जी, कुछ मत छोड़ो जी। अब देखिए जी आपके लॉ एंट्रेंस का यहां पर जो है लॉ में पढ़ने के लिए एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा है, LLB करने के लिए एग्जाम हो रहा है। LLB करने के बाद LLM या जुडिशियरी के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स या सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, इतना डिटेल में भी नहीं जाना। कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया बेयर एक्ट की पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करनी चाहिए, जी इतने की जरूरत नहीं है। आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसी हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इनफ है। चलिए जी, तो आपके लिए चौथे सेक्शन में हम यहां पर आपसे बात करते हैं मास्टर टिप और मास्टर सॉल्यूशन की। तो मास्टर टिप और मास्टर सॉल्यूशन आपके लिए आज ये है कि क्या पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप फिगर आउट कर लीजिए जी क्या क्या नहीं पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में। इररिलेवेंट चीजों पर अगर आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हो सकता है आपके जो मेन चीजें हैं आप उन पर टाइम जो है वो गवा दें, उनका टाइम आप ना दे पाए। चलिए जी, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको ये दे रहा हूं कि हमारा लीगल रीजनिंग का यहां पर आपके लिए लीगल रीजनिंग प्लस लीगल एप्टीट्यूड प्लस पॉलिटी का नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। आजादी का दिन है, हमने चुना है, अच्छी बात है, क्योंकि
ऐसे दिनों में हमें ज्यादा काम करना चाहिए छुट्टी मनाने के बजाय। तो 15 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपको लीगल की लगभग सारी जो नॉलेज है वो हम आपको गेन कराने की कोशिश करेंगे, और काफी एग्जॉस्टिव है यहाँ पर कोर्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स हो सकता है लास्ट कोर्स हो इस साल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम 5 से 11 के बीच में होते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा हम कोई कोर्स अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि 26-27 को तो ये कोर्स खत्म होगा, 10 या 11 दिन का जो ये कोर्स होता है, तो वहां पर चीजें जो है वो डिफरेंट होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने अब तक इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया है तो अवेल कर लीजिए। रिव्यू वीडियो 7th बैच की मैं यहां पर आपके लिए जोड़ देता हूं जी, 250 से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं, आप भी फायदा उठा लीजिए, इससे बढ़िया चीज। चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा अपने बारे में, जो कहेगी वो रिव्यू वीडियोस कहेंगी, आप देख लीजिए, उन्हें मैं अटैच कर देता हूं आपके साथ। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जल्दी से जल्दी आप आइएगा, सीट्स बहुत कम है, बाद में मत कहिएगा भैया प्लीज कर लीजिए, नहीं हो पाएगा जी। चलिए मिलते हैं बाद में, भारत माता की जय, जय हिंद। माय नेम इज अक्षर रहमान, मैंने सर का 7th लीगल बैच ज्वाइन कर रखा है। सर थैंक यू सो मच मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करने के लिए। पहले मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लग पाते थे, हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने आदित्य सर की क्लास ज्वाइन किया है लीगल की, तब से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन हो पा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि अब कन्फ्यूज़न होती नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमें इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफिया खान। फर्स्टली तो मैं आदित्य सर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, क्योंकि सीरियसली गाइस अगर मैं आपको बताऊँ 750 रुपीज़ में आपको ऐसा टीचर मिलने वाला ही नहीं है, गारंटीड के साथ बोल रही हूँ 750 रुपीज़ में आपको ऐसा टीचर मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि आप नोटिस करोगे हम जैसे स्टूडेंट जब पढ़ाई के मामले में इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं तो हमें सबसे पहले यही स्ट्राइक करती है यार कोचिंग करूँगी तो समझ में आएगा। हम बाहर जाते हैं 7,000-8,000 अपना खर्च करते हैं, और उसमें भी मुझे हम लोगों को जो टीचर्स होते हैं वो प्रोफेशनली डील करते हैं। और बट मैंने ये नोटिस किया, फर्स्ट डे ही मैंने नोटिस किया है सर को कि यार द वे ऑफ जो टीचिंग है उनकी, ऐसा फील होता है कि आपके घर के मेम्बर में ही कोई आपको बैठा के पढ़ा रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं बहुत लकी भी मान रही हूँ कि मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन करी है। एंड सीरियसली ही इज़ द बेस्ट टीचर। जब मैंने, मुझे पता है कि मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, और उन्होंने प्रूव कर दिया यार आप किसी भी बैकग्राउंड के रहो, ऐसा आपको लग नहीं, आप भी सोचो ही मत कि आपको समझ में नहीं आएगा यार 750 रुपीज़ में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को दी है। जब मेरे जैसे स्टूडेंट का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ से यहाँ हो सकता है ना यार, तो आप बिल्कुल मत सोचो कि आपका निकल नहीं पाएगा। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको ज्वाइन करना चाहिए सभी क्लासेस। सबसे पहली जो चीज़, तो मैं इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनको कि उन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रख पाएँ। और सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके लिए, मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि मैं आपको डिवोट करूँ उस वर्ड से, बट बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। आपने हमारे डाउट इस तरह से क्लियर किए हैं, आप हमारे लिए इतनी, मतलब आपने बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को दे दी है। और क्योंकि ऐसे टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों को कितना ज़्यादा इस वक्त डिमोटिवेट होते होंगे कि जिनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में सोचती हूँ। बट रियलिटी आप जैसे टीचर्स को सैल्यूट करूँगी मैं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ गाइस 750 रुपीज़ के बारे में मत सोचना। अगर आप ये सोचते हो ना, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि जो हम लोग बाहर जाके कोचिंग ज्वाइन करते हैं उसमें भी टीचर्स इतना प्रोफेशनली डील करते हैं। आप फर्स्ट डे ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा थैंक गॉड हमने सर की क्लासेस ज्वाइन कर ली। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू। मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं स्टिल, आई एम सो हैप्पी एंड बहुत बहुत शुक्रिया। Aditya sir, you are very amiable and the way you deliver concepts, it's very amazing and it's always fun learning with you. Thank you. Hello everyone, मेरा नाम लक्ष्य चौहान है और मेरा experience the social Indian के साथ बहुत अच्छा रहा। Aditya sir ने सारे concepts इतने अच्छे से clear किया कराए हैं,
और अगर आप DU LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्योस है जैसे कि तुम्हें क्या करना है, क्या किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो वो सारे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी द सोशल इंडियन के साथ। थैंक यू। हेलो, सोम त्यागी एयर। सो आई हैव टेकन दिस ऑनलाइन लीगल एप्टीट्यूड कोर्स फ्रॉम आदित्य यादव सर। माई एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। इज इन awesome teacher, my old doubts and queries were cleared and now I am more confident in my legal section. Thank you sir. Morning everyone, I am Ritika Narwal और मैंने आदित्य सर से legal reasoning और legal aptitude की classes ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा best है और जिसमें हर doubt even clear होता है और मैं 7th batch में मैंने उनसे ली है अपनी classes और मेरा 7th batch था और जो कि बहुत ज़्यादा best रहा है और उन्होंने एक एक डाउट हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से वो हमें अपना सारा मतलब ये कि वो लोग हमें अपनी हर जो उन्हें नॉलेज है वो सब हमारे साथ शेयर करते हैं और ही इज़ वेरी गुड टीचर। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मनी पे कर रहे हो या आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, नो, आपका एक एक पैसा बिल्कुल वसूल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, एक बार आप रिस्क लेकर जरूर देखें क्योंकि जो है ना बहुत बेस्ट क्लासेस है और इतने कम समय में और हर चीज़ को हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि रिकवर कर ले हम कोई भी चीज़ 10 दिन में रिकवर करने का। कोई भी कोचिंग सेंटर वगैरह कोई भी नहीं है जहाँ पे होता हो, लेकिन आदित्य सर की क्लासेस में होता है। ये 100% रियलिटी। थैंक यू सो मच। Hello friends, my name is Nilesh Mishra and I am an aspirant for Delhi University 3 years law entrance paper. As an aspirant for this exam, you must have known by now that we do not have many resources for this exam except for certain lists of books which you might get on Google and various other YouTube channels. But these lists are exhaustive in nature as you might never know what is sufficient enough to prepare for this exam. In this very quest, I subscribe to the Social Indian channel on YouTube by Aditya sir. Aditya sir is a Delhi University student and he provided us many courses on subjects of this paper. I subscribe to the legal course which cost me ₹750. Today at the end of my course, I would like to thank Aditya sir for providing us guidance for this exam. Aditya sir has been very helpful to us individually on WhatsApp chats as well as on groups. Aditya sir has gone to the extent of extending the Zoom class meeting sessions and ensures that each and every student's doubt is addressed, be it at the cost of extending the time duration of the classes. Each student that we have in our batch is very confident now of the command they have over the legal studies. You might get notes on legal in various other resources such as AP Bharatwaj or Universal or various past year papers, but it is very important for you to know what is important, what is lesser important and what is least important for this paper, as you are just an aspirant and not a law student. Aditya sir has well segregated this for us in his course and ensured that we learn each and every aspect of it through examples of each and every student of our batches, which makes us very easy to remember all the concepts of various law terms as well as the law chapters such as contracts, crime, constitution, family law, IPC. We in a group have also met various students from various parts of the country who are also aspirants for Delhi University, and this has provided us a platform where we can have healthy competition amongst ourselves as well as clear doubts of each other. Thank you Aditya sir for being a helpful mentor. I'm Ayushi Yadav and I joined the 7th legal batch of DSI, the Social Indian, by Aditya sir. And starting में बहुत doubt था मुझे कि class करनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं, because मैंने ये सब कुछ पहले भी पढ़ा था. But पहले अपने पढ़ने के हिसाब से मेरी preparation was around 70-75% maximum. But after taking this class, this 10 days class, my preparation has been boosted like around 90-95%. काफ़ी questions solve हो जाते हैं, like maximum questions. So I'm really thankful to Aditya sir.
he's really invested in the class and takes up everyone's problem. His examples are very good. किसी को भी like मना नहीं करते कभी भी questions के लिए and everything. And personally भी सारे doubts अच्छे से solve करते हैं. So this class is very good. 750 rupees में कोर्स वर्थ ही है और सर अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं जेन्युइनली अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी आप जब कोर्स पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली आपको डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है और आप उसको एकदम से कंप्लीट नहीं कर सकते। डायरेक्शन चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, और डायरेक्शन जो आदित्य सर के वो काफ़ी अच्छी है, तो कोर्स काफ़ी अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस और ऑल द वेरी बेस्ट। हाय, मेरा नाम निखिल है। मैं आदित्य सर का जो DU LLB के लिए लीगल कोर्स है वो मैं अभी कर रहा हूँ। ये कोर्स 10 डेज का है। इसमें आपको जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी कवर होते हैं। और आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लीगल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 60-70% क्वेश्चन लीगल से ही रहते हैं। यहाँ पे सर ने जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, और भी कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट लीगल जजमेंट हैं, अमेंडमेंट हैं, वो सभी उन्होंने करवाया और काफ़ी अच्छे से करवाया। हर एक का जो भी डाउट था वो पर्सनली उसे कवर करवा दिया। और मुझे लगता है कि ये कोर्स हर किसी को लेना चाहिए जो भी DU LLB के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और आप जानते हैं कि अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो 10 डेज में आपका मुझे लगता है 50-60% आपका जो भी DU LLB का जो क्वेश्चन आएगा वो आप ये लीगल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है ये करने के बाद आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रद्धा कुमारी और मैं DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर रखी है आदित्य सर की और लीगल एप्टीट्यूड के लिए। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं, वेरी गुड। और हम बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले मैं लॉजिकल के बैच में थी और आप इसी तरह अच्छे से पढ़ाते रहिए और हम अच्छे से समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। इतना इजी एग्जांपल देते हैं जो समझ में आता है। मैं ये सभी को कहना चाहती हूँ कि आप ये सब एक बार देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए एक बार ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं और भी इतने कम मिनिमम प्राइस में। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। हेलो, सोम त्यागी एयर। So I have taken this online legal aptitude course from Aditya Yadav sir. My experience was too good. He is an awesome teacher. My old doubts and queries were cleared and now I am more confident in my legal section. Thank you sir. Hello, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं YouTube पर DU LLB का एंट्रेंस की तैयारी के लिए वीडियो सर्च कर रहा था तो अचानक मुझे आदित्य सर का वीडियो दिखा। तो मैंने वीडियो देखा और उसमें मुझे पता चला कि ये DU LLB एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, तो मैंने इनका कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैंने पढ़ा, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ रहा था और एक एक पॉइंट भी डिस्क्राइब कर रहे थे और मुझे एहसास हो गया कि हाँ, इनका पढ़ाने से और पढ़ाए जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाए हुए से मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। और मैंने किया क्लास, मैंने इसका फ़ायदा उठाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ DU LLB का एंट्रेंस पास करें तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने तो फ़ायदा उठा लिया और आप लोग भी देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाय, आई अंकित। आई हैव जॉइंड आदित्य सर क्लासेस ऑफ लीगल रीजनिंग। Today is my 7th day and he has completed the legal reasoning part. 7 days ago, I knew nothing about legal reasoning, but now I can solve 85-90% questions based on legal reasoning. He is so good. He has got some great teaching skills
like including you in every example. This is how you always remember the things he teaches. It was impossible for me to learn this much in a short period of time, but he has done it for me. If you are preparing some law entrances like DU, BHU and CLAT, I would suggest you to join him because he is so good. You will get a great experience with him. So, join him and thank you. Hi, my name is Ayan Thakur. I have joined 7 batch of Legal Aptitude and Legal Reasoning of TULI Academy. First of all, I would like to thank Aditya sir. Sir, you are an amazing teacher. You teach us so well. You clear all our doubts. You have guide about everything which can be possible in legal portion. You have exhausting for us, and thank you very much, sir, for that. You are an amazing person. You are an amazing teacher. Thank you so much. हेलो एवरी वन, माई नेम ए कृष्णेंदु एंड मैं आपको सर के लीगल के बैच की फीडबैक देने के लिए बता रहा हूँ. इसमें जो मैं बोलूँगा अपनी तरफ से कि चल चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, आपको लीगल में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंसेप्ट वाइज या एग्जाम्पल वाइज, लेकिन सर के यहाँ पर आने के बाद सर के जो टॉपिक्स क्लियरिटी है, इतनी सिंप्लीफिकेशन है, सर इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स देते हैं और लीगल कंसेप्ट इतने ईजीली, इतने स्मूथली हम लोगों को समझाते हैं जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इससे. और सर हमें रिलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं जिससे हमें आगे जाके पेपर्स वगैरह इन सब में फ़ायदा करता है. और सर हमें साथ ही साथ हमें पीयर एक वगैरह मतलब बहुत सारे मतलब हमें हेल्प करने के लिए नोट्स, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें कोई बाद में आगे दिक्कत नहीं होती. दैट्स ऑल, थैंक यू. And I want to tell all of you that the classes were really very amazing. All of the topics were covered, all of our doubts were cleared in the class itself, and sir gave us homework regularly so that we can practice what we did in the class. And I can really assure you all that if you will take those classes, you will really gain a lot of confidence and you will really be able to do all of the questions that you will practice. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स आदित्य सर, जिनकी वजह से मुझे ऑनलाइन क्लासेस मिली. मुझे उनकी क्लासेस के बारे में यूट्यूब के थ्रू पता चला था कि उनका 10 डेज़ का कोर्स होता है, वो इतने अफोर्डेबल अमाउंट में कोर्स कराता है. बट जैसे जैसे जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी. बट जैसे जैसे डेज बढ़ते गए और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें न्यू हैं. मैं कॉमर्स साइड से हूँ तो कभी इतनी सारी चीज़ें लॉ के बारे में कभी पढ़ी नहीं है, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी इस चीज़ में. एंड उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह से वो एग्जांपल्स देते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल्स सेट करके तो जो चीज़ समझाते हैं वो चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप क्लासेस लीजिए, फुल पैसा वसूल है. आप अगर लेंगे क्लास तभी आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी.